आज गोविंद जी हैप्पी दशहरा आपको आज हमारे लिए बहुत यू नो दुखद दिन है जब हम दादा के घर पे आए और हम दादा से नहीं मिल रहे. हम जब भी आते थे वो यहाँ बैठे हमें मिलते थे. आज के दिन हम उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं एंड आई एम श्योर हमारे जितने चाहने वाले हैं उनके उनको बहुत मिस कर रहे होंगे. आपने आज प्रोडक्शन हाउस दशहरा के दिन अनाउंस किया है जो आप लॉन्च कर रहे हैं जिससे आप अपनी फिल्म भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो रीमा कैसे सोचा आपने प्रोडक्शन हाउस का, म्यूजिक से प्रोडक्शन हाउस? पहली बात तो सबको हैप्पी दशहरा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके सर पे रहे. और क्या हुआ इस ये साल तो हमारा ब्लैक ईयर था ही क्योंकि पापा का ऐसा हुआ तो कुछ खास दुर्गा पूजा हम लोग नहीं मनाते एक साल तक. पर ये जो खूबसूरत पड़ोसन जो मूवी आज हम लोग लॉन्च किए हैं टाइटल जो मूवी है तो उनका कास्टिंग म्यूज़िक दादा सब करके गए थे. खाली शुरुआत होनी थी पर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया देन दादा का तबीयत भी थोड़ा वो था. इतने उसमें भी उन्होंने गाना कंपोज किया, गाना को रेडी किया, फाइनल नहीं किया अभी तक. पर ही न्यू अबाउट दिस मूवी, वो जानते थे ये मूवी के बारे में और कास्टिंग सब कुछ मतलब बना बना हुआ था. खाली रिकॉर्डिंग होके फ्लोर में जाने वाली थी. तो हमारे जो क्लोज लोग हैं बालकृष्ण जी और जो ललन जी है जो डायरेक्टर है तो राजन जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था पर दादा तो है नहीं अभी, हम क्या करें. तो मैंने आप देखिए आप हम हमारे तरफ से एक ही कर सकते हैं कि हम वी कैन लॉन्च इट इन आवर प्रोडक्शन हाउस क्योंकि हम तो सभी गाने और मूवी में ही हैं. लाइन तो प्रोफेशन दादा के बच्चे हम सब दादा के लाइन में ही हैं. तो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट दादा की जब इतनी इच्छा थी, वो स्टोरी भी सुन के गए, फाइनल करके गए, कास्टिंग भी फाइनल करके गए, गाने भी सिचुएशन के करके गए, तो उसको क्यों नहीं हम करें अपने प्रोडक्शन में लेके चलता रहे. द शो मस्ट गो ऑन. दादा का ऑलवेज एक मन था कि मैं रहूँ नहीं रहूँ पर मेरे गाने, मेरे म्यूज़िक, मेरे एंटरटेनमेंट, मेरे बच्चे, मेरे परिवार उसे आगे लेके जाए. उनकी बहुत वो एक मन था, उनको पता था कि हम करेंगे पर उनका आशीर्वाद है. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग हमारे एसआरजी फिल्म्स लेट्स लॉन्च इन आवर प्रोडक्शन हाउस एंड लेट्स प्रोड्यूस दिस मूवी इन आवर प्रोडक्शन हाउस. व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस. दादा आप पे बहुत भरोसा करते थे, आप पे बहुत मानते थे, आपको बिल्कुल आप बिल्कुल उनके बेटे हैं. ये लोग हमारा उन्होंने कभी नहीं माना आपको नहीं. हमेशा लास्ट तक आप उनके साथ रहे. एसआरजी प्रोडक्शन हाउस जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या मोटो रहेगा? उसका जब सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं. उसका मोटो सिर्फ एक ही, दादा की जो इच्छाएँ रहती थी कि न्यू टैलेंट, नया म्यूजिक हमेशा चालू रहे. इस पिक्चर में एसआरजी फिल्म का भी यही मोटो रहेगा. जो भी नए टैलेंट हैं या आते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी हों, सबको चांस देने की इसमें दादा के हिसाब से काम करने का हमारा मोटो रहेगा. इसमें दादा के पास 1000-2000 सॉन्ग्स का बैंक है. तो उसी बैंक में से गाने भी जो एसआरजी नया फिल्म जीनियस एक हिट मशीन थे. खूबसूरत पड़ोसन उस साल 4-5 साल पहले दादा ने उसको कोविड से पहले था, कोविड से पहले ही था फाइनल किए थे. तो अभी एक उनके बालकृष्ण जी जो दादा के इर्द गिर्द वाले दो चार लोग बोले कि जिया जी आपको एक फिल्म दादा ने बहुत प्लान था, अभी क्या कर सकते हैं. मैंने कोई बात नहीं दादा की जो चाहे हम सब पूरी करेंगे वही. तो एक नया हमने एसआरजी फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया. उसमें क्या पहला फिल्म अभी दादा का ही रिलीज करेंगे. तो दादा ने आज से 5-7 साल पहले कंप्लीट कर दी है मैं दीवाना हूँ तेरा. तो उसको दादा के बर्थडे पे हमारा रिलीज करने का प्लान है. फिल्म कंप्लीट है, सेंसर एंसर होने को गया है. सेकंड मूवी खूबसूरत पड़ोसन, ये भी दादा का ही टाइटल और वो राजा टाइटल भी दादा ने दिया है. राइटर डायरेक्टर उसमें और जो दादा के बालकृष्ण जी और भी 2-4-5 लोग नया हीरो उसमें लॉन्च कर रहे हैं जन्म है. वो एक अच्छा होनार हीरो होते हैं और 10 में भी फिल्म का भी हमारा टारगेट है न्यू फेस. हीरोइन भी नया रखेंगे. वो एक ऋतुपर्ण सेन गुप्ता जी हैं उसमें जो गोविंद नाम जी है, अच्छे हीरोइन है नाम अनूप जलोटा जी. अनूप जलोटा नाइस सेटअप, वेरी नाइस सेटअप. प्लस इसमें अपना राजपाल यादव हैं, प्रेम चोपड़ा जी हैं. तो एक अच्छा एक दादा के सर से जो कॉमेडी होती है ना उस टाइप का पिक्चर, एंटरटेनिंग मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, यूथफुल मूवी है. आपस में का जरूर रहेगा. अभी जैसा सिचुएशन रहेगा जरूर कहीं ना कहीं उसको भी
कभी दादा की इच्छा थी कि रेगो अब एकदम बहुत 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 आशीर्वाद देके गए रेगो को दादा जी, क्वालिटी भी डेब्यूट भी देके गए, आशीर्वाद देके गए, पर और रहते तो और अच्छा लगता, पर इज गॉन टू सून, इतना जल्दी चले जाएंगे अचानक ही, तो हम लोग ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा है, पूरी इंडस्ट्री आज वो कर रही है कि ऐसे कैसे चले गए सब लोग। कितनी लाइफ मुश्किल लगी दादा के साथ? मुश्किल तो बहुत है, मतलब हर पल ही मुश्किल रहता है, हर एक मिनट। वी आर बॉर्न इन अ गोल्डन स्पून विद माई फादर्स एंड क्या बोल सकते हैं अभी लोग, ये वो इतने शोमैन, और सबसे बड़ी चीज़ दे ही वॉज सच अ ग्रेट फादर, इतने केयरिंग, इतने लविंग, खाली फैमिली लोगों की नहीं सबके लिए, मतलब वो देखते थे कि हर एक इंसान घर पे आए, चाहे वो कोई भी हो, मिठाई पानी चाय, ही वॉज सो पर्टिकुलर, और खुद देखते थे, इतने लोग हम लोग सब हैं पर वो नहीं, खुद उनको फीलिंग्स होती थी कि आपने चाय पिलाया, आपने पूछा बिठाया, मतलब एक संस्कार जो है उनसे ही शुरू हुई लाइब्रेरी हाउस में। ही इज़ द वन टू टीचर्स की कैसे सबको रिस्पेक्ट करना, सबको ह्यूमैनिटी जिसको बोलते काइंड, और वो पीपल्स पर्सन थे, आप जब भी फ़ोन करो तो इजी टू ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल, चाहे वो स्ट्रगलर हो, चाहे वो एक सिंगर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप कभी भी फ़ोन लगाओ पॉपुलरी यस मिल सकते हैं कि दादा मेरे को ये है, दादा वो है, तो ऐसा इंसान तो हमने देख के सीखा है कि इतने बड़े लेजेंड, वो लेवल के आदमी इतने डाउन टू अर्थ, इतने सहमे से लोगों के लिए करने के लिए, और पावर पैक्ट, मतलब एकदम अपने जनरेशन के साथ थे वो, ही वॉज लाइक अ फ्रेंड, यू नो, जैसे नए म्यूजिक करना, नए लोगों को चांस देना, इंस्पायर्ड करना, इनकरेज करना, अब कोई भी सारे का मापा बोली, इंडियन आइडल बोली, किसी को भी उन्होंने आज तक इंसल्ट या आपने देखा होगा कभी भी दादा ने डायरेक्ट फेस पर नहीं बोला है कि अरे तुम कैसे गा रहे हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, उठ के चले गए, गुस्सा, ऑलवेज एनकरेज ही किया है कि तुम और अच्छे से गाओ, थोड़ा आज ऐसा लगा फिर से हो जाएगा, मतलब द वे ऑफ अप्रोचिंग पीपल, ही वॉज सो गुड विद एनकरेजिंग विद ऑल दिस यू नो यंग टैलेंट्स एंड ऑल। नहीं बहुत नहीं, अभी तो सभी का सपोर्ट है, सभी का सपोर्ट है, लेजेंड चले गए हैं, सबको बहुत दुख है, तो होल इंडस्ट्री शॉक्ड एक्चुअली कि ये कैसा हो गया, मैं बप्पी दा नहीं है, बप्पी दा दादा इज नॉट देयर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द शोमैन एंड द स्टाइल आइकॉन एंड पीपल्स पर्सन, पीपल्स मैन, लविंग केयरिंग मैन चला गया ऐसे करके, वेरी शॉकिंग, परफॉर्मर सिंगर एंड ही वॉज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड, यूज टू लव, ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव मैन, नॉट ओनली म्यूजिक बट एज अ सिंगर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ यू नो एवरीथिंग। तो इसका भी जो फिल्म जो प्रोडक्शन है उसमें भी टारगेट वही है, जितने भी दादा के लोग हैं उनको काम मिले, अटैच रखना है, हाँ अटैच रखना है, ऐसा नहीं लोग सोचे कि दादा चले गए तो और भी क्या होगा, हम ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी लोग थे सबको बुलाया है, हम सब है, हाँ चलता रहेगा सिलसिला, उनका आशीर्वाद है, दादा का आशीर्वाद है, और आप लोगों का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स है जो हर समय हम कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कुछ कर सके, बस दैट्स इट। हाँ बहुत जल्द बनाएंगे अभी एक, हाँ जी ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, अभी एक साल फरवरी को हो जाएगा दादा का, 5 फरवरी को पूजा है उनकी, पुण्यतिथि है, एक साल बरसी है, एक साल उसके बाद हम बायोपिक में बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, और हम लोगों ने कुछ अभी या इन हाउस ही बनाएंगे, या ऑफकोर्स वेल वो तो एक जीनियस इंसान थे, उन्होंने ही तो म्यूज़िक एक अलग ही चेंज लाए हैं, डिस्को वॉज बॉट बाई हिम ऑलवेज, एंड डिस्को ही नहीं, ही इज़ अ वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर, आप एक एक क्लासिकल गाने दीदी के सुनिए, आशा जी के सुनिए, दादा के एक से एक गाने हैं जो क्लासिकल और वो भी है, पर येस ऑफकोर्स ही इज़ द गोल्ड मैन एंड द डिस्को किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कल जर्मनी में भी एक ट्रिब्यूट हुआ, 100 तो खाली ट्रिब्यूट ही चल रहे हैं, देख देख के हमें क्या बताएं, अभी कल भी जर्मनी में लता दीदी के और दादा के नाम पर ट्रिब्यूट हुआ, एंड द लास्ट सॉन्ग वॉज चलते चलते मेरी गीत याद रखना, मतलब वर्ल्ड वाइड उनके ट्रिब्यूट्स हो रहे हैं, मतलब उनके उनको कोई मतलब वो नहीं कर पा रहे कि दादा जो नहीं है, आप कलकत्ता में बोलिए, हमारे दुर्गा पूजा में भी ट्रिब्यूट हुआ दादा के नाम पे, तो हर जगह फैंस लोग, फैंस कितने आते हैं हमारे घर पे, कोई फूल कोई कुछ चढ़ा के जाते हैं कि दादा, सबको वही लगता है कि दादा ही नहीं है अपने उसमें,
एक तो ये मूवी है जो दीवाना मैं दीवाना होते रहा, वो उनका बहुत वो था कि रिलीज करना है क्योंकि वो बहुत सालों से बंद पड़ी हुई थी और उसके बाद रिलीज नहीं हो पाई, कोविड हो गया, ये हो गया, उनका तबीयत भी थोड़ा ऐसा था तो नहीं हो पाई। तो वो बहुत चाहते थे कि दीवाना हूँ मैं तेरा, उनके बहुत क्लोज पिक्चर था तो उनके घर का पिक्चर, हमारा खुद का प्रोडक्शन, वो भी आए हैं तो वो रिलीज करने उनका बहुत मन था, उनके जैसे उनका अपना बच्चा था वो, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके वो पिक्चर, म्यूजिक भी उन्होंने दिया है, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया है, आप लोग जरूर देखोगे दादा, ऑफकोर्स बहुत साल पहले का है पर आपको अच्छा लगेगा देख के, इट्स अ वेरी यूथफुल मूवी, वेरी इमोशनल म्यूजिकल मूवी। नहीं नहीं ये हाँ ये हमारे एक्चुअली दीदी के वहाँ से घर से आदेश आया है, लता दीदी के वहाँ से, उषा दीदी ने बोला है कि पप्पी और लता दीदी और आपके डैडी ये लोग अमर हैं, ये लोग एक आते हैं करके चल जाते हैं जल्दी, तो ये लोग अमर हैं, ये लोग को वो माला का, तो हम लोगों ने आज तक अभी तक माला नहीं लगाया, हम सोचते कि वो है हमारे साथ, हमारे साथ है, हमारी आज भी है, देख रही है, आशीर्वाद ही दे रहे, खुश हो रहे, और माला नहीं चढ़ाते ऐसे लोगों को क्योंकि ये लोग अमर है, इनके म्यूजिक चल रही है, आप कोई भी रेडियो में सुनो, आप कोई भी सीरियल देखो, बंगाली चैनल देखो, उनका गाना तो चल रहा है, आवाज़ तो है, सो फॉर हिम फॉर अस ही इज़ देयर। जरूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऑफकोर्स, अरे अरे ज़रूर करेंगे, अकेडमी भी खोलेंगे बहुत जल्द, स्लोली स्लोली, एक्चुअली क्या है इतना बड़ा शौक अभी हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सच्ची का है कि क्या हो गया सडनली, फुल फैमिली इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यू नो, करेंगे हम लोग, हाँ वी हैव डिसाइडेड कि जितने भी उनके गॉगल्स बोलो, गोल्ड बोलो, वो करके मैं और बप्पा भाई, मेरे भाई और गोविंद जी, हम मिलके एक ऐसा म्यूजियम में ट्रेजर करेंगे दैट पीपल कैन कम एंड सी द डिस्को किंग्स जैकेट्स विच इज़ टू वेयर, बिकॉज देयर सो मेनी फैंस ऑल ऑफ द वर्ल्ड, रशिया से बोलो, कजाकिस्तान से बोलो, जिमी जिमिया, बिकॉज ही वॉज अ इंटरनेशनल फेम ना, ही वॉज नॉट ओनली, ही वॉज लाइक अ हीरो, ही वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल म्यूजिक कंपोजर, एक हीरोइक फैन फॉलोइंग, लोग जनता प्रेमी, मतलब पागल, दादा के गाने मतलब सब नाच रहे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, शादी में, इसमें सब जगह उनका ही गाना, तो दैट फैन फॉलोइंग वाज यूनिवर्सल। इमेज फॉलो अभी तो ही सकिंग, हाँ दादा जैसा बनना पड़ेगा, और अगर है वो तो जरूर पहले नहीं बस आशीर्वाद करें, हाँ हम लोग को भी लोग बोलते हैं अरे मेरे को पप्पा को, अरे आप लोग तो पहनते ही नहीं हो, कहाँ आप लोग इतने सिंपल हो, आप लोग तो एक भी चेन नहीं पहनते हो, क्या आप गोल्ड मैन के डॉटर हो, जहाँ भी दुकान जाते हो इतने सिंपल अच्छा नहीं लगता है आपको, कुछ तो पहनिए ऐसे, नहीं पापा दादा दादा है, हम लोग है, छोड़ो ना, दादा को शोभा होती है। हम लोग इसको हंसते हंसाते ही आगे लेके जाएंगे, कोई ऐसा दबाव होता है ना उस टाइप का नहीं रहेगा, सबको हैप्पीली, दादा का आशीर्वाद हमेशा, तो इस टाइप का फील भी नहीं होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा भी दादा के आशीर्वाद से ही मिला, ऐसा कर लो, क्योंकि जो बात करते थे हम लोग हमेशा साथ में, तो ऐसा करना है ऐसा करना है, गोविंद जी, अनूप जी को भी बुलाना पड़ेगा, अनूप जी, श्रीराम जी, अपने बाल डायरेक्टर साहब, यादव जी नहीं आया, राजपाल यादव नहीं है, राज हाउस में रितु भी आ जाती तो ये हो जाता था, अच्छा पर दे बैठो, अनूप वहां बुला लेते, अरे बालकृष्ण जी, अनूप जी को भी, गोविंद जी को भी, थोड़ा पीछे हो जाए, सब आ जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाए, चलो थोड़ा सा।
Yeah, sure, you want a standing picture? Come, let's take a picture. Picture, come, come. Feeling very lucky and very fortunate to portray his, you know, legacy. Talking about your role, what is the kind of character? I mean, obviously it's too soon to talk about... Basically it's a love triangle between a 26 years old guy with me, a 17 years old girl and a 40 years old woman. That's interesting. Situational comedy. And satire. Tell us about yourself. I mean, how did you start your... I'm from Delhi. I'm a Delhi-born guy. I've done a lot of drama, theater, and a lot of street plays. So I've done theater only. I've never done, like, camera acting, but I've done theater. I'm sure you're looking forward to your journey. Yeah. You have lovely producers as Reema and... I'm blessed. Yeah. I'm blessed. Anything that you would like to say about Babita, any of his favorite songs, and if any one song... A lot, like every song is my favorite. If you had to relive in this film, which one would it be and why? Ooh la la, my favorite. All time favorite. All time, very true, very true. Rego, I'm sure you missed your Nanu a lot. You were his favorite and we've seen you grow. You know, he was all over you whenever you were around. He used to be so happy. What do you have to say now when he is gone? It must be, you know, a Dashera without him. How does it feel? First of all, happy Dashera to everybody and a Shubha Vijaya to all my fans and to everybody. And this year, we all are devastated because of my grandfather's sudden demise. It was all of a sudden, like something just abruptly ended. So I'm very happy that my dad and mom have started the production of SRG Film Entertainment to release my grandfather's most favorite film called Khoobsurat Parosan with a very great actor, which is Janme Bhai, and the directors, and to everybody, and to all my pranam, and please give me your blessings. Thank you. Rego, talking about your songs, you're getting so much of love from people. All your songs are going separate. How does it feel, you know, when you have that kind of response coming from a great, you know, legacy family? Actually, this was
I have no words. I'm receiving so much love from my fans, from my grandfather's fans, from everybody, and I'm getting great responses. I've released two song, Bachcha Party Culture Tia, which have crossed more than 1 million views, and the results are coming out very, very well. And I'm mixing and I'm making 9 new song, which are going to be released very, very soon. So please watch out for it. Which is one thing, Regu, which Avina told you, which you would like to share with the viewers? The one thing, there are many things which he told, but the most important thing that he told me was to be humble. Like he was such a big man, he had so much richness in him, gold, and he was a genius, a musical genius, but he used to always remain humble. He used to not boast out that hum bappi lari, what will I do? Like he was never like that on camera and off camera. He was always humble. So he's always told me that whenever you become big in life, whenever you go anywhere out, and don't boast, just be simple and be humble. Simple and humble, these are the two keywords he used to tell me every time. Thoughts about? About the music, obviously you'll be showcasing the music now on screen, you'll be portraying the... Amazing, like my thoughts are amazing. Very nice. I'm excited. I don't have words to express, but yeah. Thank you. जरूर मैं दादू के लिए गाना अभी गाना चाहता हूँ जो है याद रहा तेरा प्यार याद आ रहा है तेरा तारी रा 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 तेरा प्यार याद आ रहा है तेरा प्यार ओ यार आ रहा है तेरा प्यार धन्यवाद थैंक यू दादू ने बोला है दैट जब भी आप किधर भी स्टेज में जाओ, जब भी कोई गिग्स में परफॉर्म करने जाओ तो आप एक डीप ब्रेथ लेके स्टेज को पूरा सेट जमा दो, डोंट बी नर्वस, दादू मुझे बोलते थे. बिकॉज दादू बोलते थे ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज हैव दैट यू नो दैट एनर्जी दैट यू विल डू इट दैट यू हैव टू डू इट. एंड दादू यूज़ टू ऑलवेज इंटरेक्ट विद द पब्लिक अलॉट. ही यूज़ टू लाइक सिंग लाइक सपोज लाइक कोई इन कोया नाचे नाचे लाइक say D, the crowd will say D, yeah. Say I. So he used to interact with the crowd and he used to always tell me that whenever you go, whenever you sing your song, just interact with the crowd, then the crowd will get more hype. So these are the musical small tips that he used to give me every time. एक्चुअली मैं दादू का मैं एंग्रॉस हूँ दादू के स्टाइल में, दादू के जो वे ऑफ मूविंग, उनका जो कपड़े का स्टाइल, गोल्ड वोल्ड, तो मैं भी उनके फुटस्टेप्स में गया, मुझे भी उनके जैसे बनना है बड़े होके. और हाँ, तो स्टाइल एकदम दादू जैसे ही है मेरा एकदम. थैंक यू. बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठो ना, बैठिए ना, आप बैठिए ना. नहीं, वो आ ही रहे एक साथ में, एक साथ हो जाएगा. अनुप जी सबसे पहले आपको आज खुशी का दिन में और आज हम बबीरा को भी याद कर रहे हैं, आज आप आए उनकी प्रोडक्शन हाउस के लॉन्च के लिए और फिल्म के लिए लॉन्च के लिए, हम उनको बहुत मिस करते हैं, हम
हमेशा आज घर आए हैं, उनको यहाँ नहीं पाकर हम वी ऑल वेरी सैड। आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा उनसे, क्या कहना चाहेंगे? भप्पी जी हमारे भाई जैसे थे, बहुत अच्छे प्यारे इंसान, और जो संगीत उन्होंने दिया वो तो अमर है। मैं कल ही एक कॉन्सर्ट में उनका गाना गा रहा था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सब लोग गाते हैं वो गाना, हम सारी दुनिया में गाते हैं और लोग इस गाने का बहुत मज़ा लेते हैं, पूरी पब्लिक गाने लगती है, पूरी ऑडियंस गाती है। तो आज उनके ही घर में हम मिले हैं, अभी मैंने गाना रिकॉर्ड किया जो भपीदा की आवाज़ में उन्होंने कंपोज करते समय गाया था, और मैंने उसको अभी डब किया अपनी आवाज़ में, और इस फिल्म का वो बहुत खूबसूरत बेहतरीन गाना है। देखिए एक फिल्म आई थी वीर जारा जी जी, उसमें संगीत था मदन मोहन जी का, और मदन मोहन जी जा चुके थे, ये चीज़ दोहराई जा रही है, भप्पी लहरी जा चुके हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, और उनके द्वारा बनाया गया संगीत अब इस फिल्म में आ रहा है, तो वही वीर जारा फिर से दोहराई जा रही है। उस फिल्म ने हंगामा किया था, उस फिल्म के म्यूज़िक ने हंगामा किया था, और वही चीज़ मुझे विश्वास है कि इस फिल्म से आप पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बप्पीदा ने जिस तरह का काम किया है, जो म्यूज़िक उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया अमर है म्यूज़िक, उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे, अब उनके इस प्रोडक्शन से जुड़ के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस प्रोडक्शन को मैं अपना 100% दे पाऊँ ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, और यही मेरी श्रद्धांजलि भी रहेगी हमारे बप्पीदा के। पपीदा के साथ हम बहुत सालों से जुड़े रहे, क्योंकि मेरे फादर ने उनकी शायद सेकंड फिल्म थी कि थर्ड फिल्म पापी थी, तो वो उन्होंने लिखी थी, तो उनके साथ में उनके एसोसिएशन, वो मेरे ख्याल 70s की फिल्म है, लेट 70s की होगी शायद, तो मेरा आना जाना काफ़ी रहा, मैंने भी काफ़ी गाने उनके साथ लिखे, करीब 12-13 गाने तो मेरे भी उनके साथ रिकॉर्ड हुए, तो बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, मिलते जुलते रहे हैं, और अच्छा और बहुत एक क्या बोलते पाइसी फीलिंग है यहाँ आके, या हम जब भी आते थे, जब भी उनसे मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लीगेसी आगे जा रही है, उनका काम तो हमेशा याद रहेगा लोगों को, जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी या जब तक दुनिया रहेगी, वो उनका काम अमर रहेगा, तो उसके हिसाब से उनकी लीगेसी अभी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। फिल्म कब तक रेडी हो जाएगी और कब तक कर देंगे? ये फिल्म मेरे हिसाब से हम लोग किसी भी हाल में मार्च के एंड तक रिलीज करने का हमारा टारगेट है, मार्च का टारगेट है, और मेरे ख्याल से मार्च में ही होगी रिलीज। अनुप जी कोई मेमोरी आपकी बबीता के साथ शेयर करना चाहे, कुछ मोमेंट्स, कोई उनका म्यूजिक जो आपका फेवरेट रहा, और या कोई गाना जो आप उनको कहें कभी कि आप गाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ मोमेंट? भप्पी जी के फादर से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान थी, वो जब भी मुझे मिलते थे मुझे कहते थे अनूप, अनूप बोलते हैं, अनूप तुम क्यों नहीं आता है, हम तुमको बहुत गाना गवाना चाहता है, तुम इधर उधर प्रोग्राम में बिजी हो जाता है, फिर मुझे कहते थे कि जो कर रहे हो उसमें मज़ा आता है ना, मैंने कहा बहुत मज़ा आता है, कहते लेकिन कभी कभी आया करो,
बापी अच्छे गाने बना रहा है तुम्हारे लिए। और मैंने दो तीन गाने गाए भी थे बापी जी के, मुझे बड़ा मज़ा आया था गा के। एक खास बात जो थी बापी जी में कि वो आर्टिस्ट को देख के गाना बनाते थे। किशोर कुमार के लिए बनाएंगे तो उनके लिए बनाएंगे। तो जब मुझे सोचा कैसा गाना देना चाहिए तो मेरे हिसाब का गाना बना के दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम गाने गए तो मैं गाते गाते मैंने उनसे कहा कि ये गाना आपने मुझे सोच के बनाया। कहते हैं कि मैंने सोचा था मैं तुमको तब बुलाऊंगा गाने के लिए जब मैं कोई बड़ी फिल्म साइन करूंगा। और वो बड़ी फिल्म उन्होंने साइन की, उसमें आमिर खान हीरो थे, इसी का नाम जिंदगी, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया। तो जब मैं वो गा रहा था तो मेरे पास आए अंदर केबिन में, कहने लगे अनूप जी ये आपके ऊपर पिक्चराइज करना है मुझे गाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर भी आ गए, डायरेक्टर आ गए, सब आ गए, आमिर खान आ गए कि ठीक है जी आप पे पिक्चराइज करेंगे। तो उसमें मेरे ऊपर और प्राण साहब के ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ। तो प्राण साहब के साथ हमने वो गाना शूट किया, मज़ा आ गया था। क्या प्राण साहब काम कर रहे थे। और मुझे प्राण साहब ने बाद में कहा कि ये गाना जो है मुझे ज़रा रिकॉर्ड करके भेजना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने प्राण साहब को कैसेट, उन दिनों चलता था कैसेट, में रिकॉर्ड करके उनको भेजा था। वो सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। इसी का नाम जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी, ये गाना था। Before he said goodbye to this world, just before a couple of months, he called me here and पूछा कि गाना गाओगे ना सर? It was like, you know, I'm in a dream world somewhere. That ऐसा हो सकता है क्या? Is it possible? तो गाना सुनाया मेरे को ना। I said ये तो बप्पी का बहुत high scale है। He said तुम्हें तुम्हारा scale ही नहीं पता। So I said, yeah, I'm an actress. I have done a lot of albums, but then मुझे नहीं पता actually. तो बोला just go there, start singing. तो भप्पी दा ने अपना portion गाया हुआ था और फिर मैंने अपना portion गाया, for which I'll be always very very grateful to him. वो जिंदगी की बहुत बड़ी याद है। हर कलाकार का सपना है कि वो रहा होगा कि वो उनके music के अंदर गाना गाएं या उनके साथ duet करें। मेरा सपना उन्होंने पूरा किया, वो बहुत बड़ा एक एहसान मैं समझूं। किसी का सवाल हो गया? चलो ये ध्यान से निकालो भाई, क्लिप जो है ना इनकी, नहीं तो सब में फंस जाएगी, ये नहीं निकालेंगे। अच्छा ये मुझे लेना सेटलमेंट हो जाए। ये हट 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 सब दिख रहे हैं जी। जरा शॉट बॉल शॉट मुहूर्त शॉट खूबसूरत पड़ोसन। आज के दिन बहुत अच्छे दिन, सब लोग को बधाई, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।
यादव जी बुला रहे हैं। मैं रुको बुला। आ जाओ आ जाओ आप सूरत पड़ोसन में आ जाइए। लाइट थोड़ा सा वो पहले बोलते तो लगा देते हो गया थोड़ा वो लग रहा है वो प्लास्टिक तो लाओ भाई अरे ये खूबसूरत प्रोडक्शन का चेहरा क्यों नहीं दिखाई कलकत्ता में देखिए रसूलुल्लाह कह रही है हाय आपका लहंगा देख लीजिए नेम इज वेरी अट्रैक्टिव लाइक द नेम वेरी सिंसिलेटिंग है माता बेटा आप भी आइए थैंक यू।